गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू एवरी वन. सो आज से हो गई है नवरात्रि स्टार्ट. तो अभी जो है मैंने मॉर्निंग में मतलब जो है अभी उठ के शार ले लिया था और मंदिर तो मैंने जो है कल रात को ही क्लीन कर दिया था. बिकॉज अभी मैं क्लीन करूँगी तो पूरा मेरा 1 आवर जो है यहाँ पे एंगेज होता, तो इसलिए मैंने जो है पहले ही कर दिया था. तो बाहर जो भी हमारा शिव जी का मंदिर है वो क्लीन होगा और अभी अंदर पूजा वगैरह करेंगे. और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब पूरे 16 दिन हो गए हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करा, ना ढोलक बजाया ना हारमोनियम बजाया, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था शाम को पूजा वगैरह करने में. तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है तो भजन कीर्तन पूजा वगैरह सब लोग हम यहाँ पे करेंगे. और अभी शॉपिंग वगैरह तो मैंने जो है पहले ही कर ली थी. कान्हा जी के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेसेस मैंने यहाँ पे सिलवाई हैं और राधा रानी के लिए, युगल जोड़ी के लिए भी, और माता रानी को तो जो है कल ही पूरा चेंज वगैरह करा दिया था. तो चलो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या क्या करेंगे. और अभी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपना दुपट्टा, देन उसके बाद हम लोग जाते हैं. तो अभी हमेशा नहाने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है मॉर्निंग में वो होता है राधा जी और कान्हा जी दोनों को यहाँ पे उठाना. तो अभी जो है मैंने यहाँ पे उठा दूँगी, उसके बाद जो है जल पिलाऊँगी, देन उसके बाद जो है स्नान वगैरह होगा. और कल रात को ही जो है पूरा मंदिर मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया था. तो अभी जो आसन वगैरह था तो ये कल रात का, देखो यहाँ पे स्टिकर वगैरह भी सारे ख़राब हो गए थे. कान्हा जी और राधा जी को वहाँ पे बैठा दिया था सोफे पे और यहाँ पे पूरा रात को ही क्लीन कर दिया था मंदिर. और ये रात का है जब मैं भोग लगा रही थी यहाँ पे दूध का, तो यहाँ पे माता रानी के भी वस्त्र मैंने चेंज कर दिए थे जिससे मॉर्निंग में इजी रहे. उठा दिया है दोनों को, देखो राधा रानी भी उठ गई हैं और मेरे कान्हा जी भी उठ गए हैं. और अभी ने यहाँ पे जो है जल भी पिला दिया है. तो अभी थोड़ी देर के बाद पहले मैं बाहर मंदिर क्लीन करके आती हूँ, देन उसके बाद हम कराएंगे इनका स्नान और श्रृंगार करेंगे. और ये माता रानी के जो कपड़े थे तो मैंने कल ही चेंज कर दिए हैं, तो अभी जो है सारे चेंज होंगे. और यहाँ पे जो है पूरा ये वाला जो मतलब कपड़ा है आसन है ये भी पूरा चेंज कर दिया था, स्टिकर भी सारे नए लगा दिए हैं, तो पूरा मंदिर अभी लग रहा है पूरा नया. तो आज मैंने कान्हा जी को उठाने के बाद पहले कर दिया था बाहर का पूरा मंदिर क्लीन. तो अभी दिवाली में जो है मैं पूरा मेकओवर करने वाली हूँ मंदिर का और मैंने पेंटिंग भी बनाई है, तो अभी आपको व्लॉग में आगे ये दिखेगा. कैली कैली कहाँ है, आ गई? तो अभी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था शिव जी को जल और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी. तो अभी मैं आ गई थी दोबारा से अंदर, पहले ना बाहर के मंदिर में पूरी पूजा कंप्लीट कर ली थी, देन उसके बाद क्योंकि अंदर भी जो है मुझे आज काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो यहाँ पे सारी पोशाक हैं जो मैंने ऑर्डर करवाई थी, तो ये सारी जो है मैं स्टिच करवाती हूँ. और इतनी सुंदर होती है, मतलब जो मार्केट में मिलती है उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, कितना भी इन्हें वॉश कर लो कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पे जो है आज नवरात्रि थी तो मैंने आज ही जो है सारी पोशाक निकाली थी और युगल जोड़ी को भी पहना दी थी और इतनी सुंदर लग रही है आप सब देख सकते हो. तो अभी कान्हा जी और राधा जी का स्नान कराने के बाद उन्हें भी पहना दी थी उनकी पोशाक. और अभी यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ पारिजात के फूल और यहाँ पे जो है अभी गजराज जी जो दिख रहे हैं और यहाँ पे गौ माता हैं, तो सबका जो है श्रृंगार हो चुका है और जो है पूरा मेरा मंदिर सज चुका है और इतना सुंदर लग रहा है पूरा. तो अभी यहाँ पे मैंने कर ली थी इत्र सेवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेवा में. तो यहाँ पे मेरा जो है मंदिर पूरा सज चुका था और ये था मेरा नवरात्रि डे वन का पूरा मंदिर का लुक. तो आज जो है सब लोगों का फास्ट था और अभी जो है खाना भी हमें ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं बनाना था ना लंच बनाना था, तो आज जो है पूरा टाइम लगाया है पूजा में और पूरा जो है जितना टाइम होता है पूरा 1-2 घंटे लगा के आराम से पूरी डेकोरेशन करी है, देन उसके बाद जो भी मैं पाठ वगैरह करती हूँ वो करा, देन उसके बाद माला जाप करी और यहाँ पर माता रानी को भी सुहाग पिटारी चुनरी सब कुछ चढ़ा दिया था. तो अभी इसके बाद मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा रियाज. Yeah.
तो यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद मैं आ गई थी रूम पे और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ सैलून जाने को। आज हमें वहाँ पे भी पूजा करनी है। सो गाइज, यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी सैलून जाने को और आज मैंने वेयर करी है कुर्ती। तो आज नवरात्रि भी है और अभी मेरी घर पे तो सारी पूजा हो गई है, तो अभी हम लोग करेंगे वहाँ पे सैलून पे जाके, तो वहाँ पे भी कान्हा जी के सारे वस्त्र वगैरह चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद पूजा करेंगे। तो चलो चलते हैं अब हम लोग सैलून को। तो अभी हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं सैलून के लिए और ये देखो हमने ले लिए थोड़े से फूल और हाँ इसमें भी ले लिया और अभी हम ढोलक भी लेके जा रहे हैं साथ में। तो अभी हम वहाँ पे करेंगे थोड़े से कीर्तन। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सैलून पे और आज सबने वेयर करा हुआ है, देखो यहाँ पे सूट। हेलो गर्ल्स, हैप्पी नवरात्रि। कवर नया है, कवर चेंज करने से फोन ही नया लगने लगता है। अच्छा लग रहा है। तो यूजुअली मॉर्निंग में सबसे पहले आने के बाद स्टाफ जो है चेक करते हैं अपने अपने स्टेशन और वहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कोई चीज़ हमें वहाँ पे रखनी है और क्लीन करना है। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही थी चौकी और यहाँ पे ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने बनाई है शिव जी के मंदिर के लिए। तो अभी इसे फ्रेम कराना है, बनाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, बस फ्रेम कराने का नहीं हो पा रहा है बिकॉज अभी हस्बैंड थोड़ा बिजी चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो है आई टी भी आ चुके हैं काम करने के लिए और मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले मंदिर के लिए पूरी वस्त्र चेंज करेंगे एंड आसन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था मंदिर जो है क्लीन करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आसन चेंज कर लिया था और जो है मैं कली मार्केट गई थी तो वहाँ पे ना ये वाला जो आसन है तो मैं ये लेके आई थी अभी स्काई ब्लू कलर का। तो आज जो है ये वाला हम यहाँ पे बिछाएंगे और पूरी डस्टिंग कर ली थी प्रॉपर, थोड़ा सा जो है वाइप को हल्का सा जो है वेट करके, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने बिछा लिया था आसन। तो अभी इसी के ऊपर जो है मैं रखूँगी राधा जी और कान्हा जी दोनों। तो अभी ना यहाँ पे चल रही है सैलून की क्लीनिंग, तो जैसे ही जो है क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी और तब तक मैं यहाँ पे साथ साथ कर रही हूँ मंदिर भी क्लीन। तो अभी सारी चीज़ें यहाँ पे करके रख देंगे, दिया बना देंगे, धूप बना देंगे और पूरा जो है वस्त्र वगैरह चेंज कर दूंगी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे पूजा स्टार्ट। और अभी जो है स्टाफ भी बिजी है तो मॉर्निंग में आके जो अपना यूजुअली वो लोग काम करते हैं तो वही कर रहे हैं। जैसे अपने अपने स्टेशन पर वो लोग चेक करते हैं कि हाँ कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लाइक जैसे अगर कॉटन खत्म हो जाती है तो वो फिल कर देते हैं या कोई भी चीज़ क्या रहता है ना जब काम करते हैं तो इधर की कॉम उधर शिफ्ट हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर मॉर्निंग में रोज ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो वही सारा उनका काम रहता है। तो अभी यहाँ पे जो है फ्लावर्स भी लेके आ गए थे सब हम लोग। तो यहाँ पे पूरा मंदिर हमारा हो चुका था डेकोरेट। तो अभी जैसे ही जो है क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पूजा। तो मॉर्निंग में ना रोज आके हम सब लोग यही करते हैं, मतलब साथ में हम पूजा रोज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में इतना अच्छा एनवायरमेंट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है पूरा पॉजिटिविटी के साथ। हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं कीर्तन करने के लिए। तो ये रही हमारी ढोलक, ये रहा मजीरा, पूजा के पास क्या है घंटी और ये भी मजीरा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग करेंगे गणेश जी के भजन से। कंप्लीट करने के बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ एपन आर्ट जो होती है, तो वही सारे फ्रेम्स वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अभी खुद मुझे घर के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। तो गाइस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और हमने यहाँ पे कर लिया पूजा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और देख रहे हैं मूवी और साथ में बन रहा है वहाँ पे अभी डिनर बन रहा है, अकेले देखो बना। सो यहाँ पे हमारा डिनर भी हो गया था प्रिपेयर और यहाँ पे आज बनाया है मैंने आलू टमाटर की सब्जी और इसी की मैंने यहाँ पे सूखी सब्जी निकाल ली थी, तो दो वैरायटी हो जाती है एक ही सब्जी की। और यहाँ पे हरी सब्जी मम्मी ने पहले ही बना के रख दी थी,
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और गुड़िया यहाँ पे बना रही है पूरियाँ। और देखो हमारे शेप कितने अच्छे हो रहे हैं दोनों के, मेरी रोटी के भी और गुड़िया की पूरियों के भी। बट कोई नहीं, हमारी सब्जी टेस्टी और पूरी भी अच्छी होगी। एंड यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया था यहाँ पे भगवान जी के लिए भोग। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल क्या चल रहा है, इतने 16 दिन से तो शादी चल रहे थे और अभी जो है नवरात्रि लग गई, तो हमारा ना सात्विक भोजन ही बन रहा है घर पे। तो हम लोग रोज भगवान जी को भोग लगाते हैं, देन उसके बाद ही जो है हम लोग खाना खाते हैं। तो अभी यहाँ पे कान्हा जी को जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी की लीव्स डालनी होती हैं, क्योंकि उसके बिना जो है कान्हा जी एक्सेप्ट नहीं करते भोग को। और यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया था कान्हा जी राधा रानी सबको भोग, देन उसके बाद जो है सबके लिए मैंने यहाँ पे डिनर लगा दिया था। और अभी सब लोग यहाँ पे मम्मी लोग करने भी लग गए थे, तो अभी जो है व्रत के दिन मन कर रहा था कि हाँ पूरी और थोड़ी सी कुछ रसीली सब्जी खाएं, तो वही हम लोगों ने बनाया था। और यहाँ पे डिनर हो गया था करना स्टार्ट, अभी मैं भी करती हूँ यहाँ पे। अभी हमने कर लिया था डिनर और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं थोड़ा वॉक करने को। देखो कैली भी हमारे साथ है, ब्राउनी भी हमारे साथ है और कालू भी हमारे साथ है, ये देखो ये सब दौड़ रहे हैं। तो यही चलता है दिन भर, ये हमारे साथ ही रहते हैं और अभी शाम को भी हमारे साथ घूम रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे हमें जनरेटर में कुछ चेक करना था, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो आज ये भी सर्विसिंग भी हुई थी। हैप्पी नवरात्रि, शाम का समय है, थोड़ा वॉक कर रहे थे अपनी गली में, ज़्यादा बड़ी गली तो नहीं है अपनी, ये अपना दुकान का एरिया, कॉम्प्लेक्स का एरिया, पैक साइड का। तो अभी थोड़ा काम भी था, जनरेटर में सर्विस कराई थी शाम को, तो उसको देखने भी आना था अभी। तो क्या क्या रहा, कैसा रहा वो बता दिया था उसने फ़ोन पर, तो चेक करने आए थे। बस आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और गुड नाइट। सो गाइज, आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। सो फिर से हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अनदर व्लॉग पे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।